हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू बेटा? होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग योर वर्क नीट एंड क्लीन। स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर 1 to 4 क्वेश्चंस इन फेयर नोटबुक एंड वी विल हैव टू कंप्लीट 5 to 8 क्वेश्चंस। अभी हमने जो 1 to 4 क्वेश्चन किए हैं और अभी हमें जो करने हैं वो करने हैं बेटा 5 to 8 क्वेश्चन। इस स्टोरी को कनेक्ट करते हुए मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, किसी भी लेसन के कर रहे हैं, सबसे पहले आपको वो वीडियो, वो लेक्चर आपको अच्छे से वॉच करना होगा जिसमें कि चैप्टर आपका रीड कराया गया है। क्योंकि बेटा बिना चैप्टर के आप क्वेश्चन आंसर को नहीं कर पाओगे। मैं हमेशा आपको यही बताता हूं कि आपको अपने चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, वॉच करना है, तभी आप वो क्वेश्चन एज वेल एज इन बिटवीन क्वेश्चन आप कर पाओगे। आज बेटा जो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5th है। मैं ये क्वेश्चन जो आपको मैंने जो क्वेश्चन आपको ये ऐसे लिखे हुए दिखाए हुए हैं, बोर्ड पर लिखे हुए हैं, पहले वाली वीडियो के अंदर भी ये बताया था मैंने बेटा, यहाँ पर मैंने डैश डैश छोड़ा हुआ है, बट यू विल हैव टू राइट कंप्लीट क्वेश्चन इन योर पेयर नोटबुक। अपनी पेयर नोटबुक के अंदर आपको कंप्लीट ये लिखना है क्वेश्चन, क्योंकि इसका भी एक रीज़न है कि ऐसे आप डैश डैश छोड़ दोगे बेटा तो आपको क्वेश्चन के लिए बुक लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद फिर नोटबुक लेनी पड़ेगी, तो मतलब आपको बार बार चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। इसलिए आप अपने क्वेश्चन को उसको कंप्लीट करें और आंसर को एज इट इज ही ब्लू पेन से जेल हो या बोलो एज वेल एज यू वांट टू वो आप लिख सकते हैं, जिससे आपकी राइटिंग अच्छी आए। अब बेटा क्वेश्चन जो 5th है हमारा वो ये है, व्हाट रे वाज नॉट अ पान ब्रोकर। अब बेटा इसका जो मींस है उसका मींस होता है साहूकार। साहूकार आप समझते होंगे, हमने इससे पहले भी ये बताया था रीड करते हुए, साहूकार बोलते हैं या फिर जो कोई व्यक्ति गिरवी रख लेता है किसी सामान को और उस सामान के बदले में कुछ पैसे देता है, उसे हम साहूकार बोलते हैं। अब बेटा क्वेश्चन ये है कि रे जो था वो साहूकार तो था नहीं, वाई देन डिड ही लैंड मनी टू पीपल इन एक्सचेंज ऑफ देयर ओल्ड वॉचेस एंड क्लॉक्स। फिर भी वह लोगों को उनकी घड़ियों को रख रखाव के लिए उधार पैसे दे देता था, और क्यों देता था इसके बारे में आपको आंसर देना है, क्यों देता था ये आपको पता है कि उसका नेचर ही ऐसा था कि वो दूसरों की मदद करता था, उनकी जब भी आवश्यकता होती थी उस समय उनकी मदद कर देता था, और वो व्यक्ति ऐसा था कि पैसों के रूप में वो लोन देता था और बिना ब्याज के देता था कि कोई भी व्यक्ति जरूरत के समय अपनी कोई भी पुरानी वॉच हो, वो जो क्लॉक हो, रिस्ट वॉच हो, कोई भी चीज़ हो वो, या इसके अलावा भी कोई भी चीज़ हो, वो दे सकता है और उससे अपने ज़रूरत के समय पैसे वापस, यानी कि पैसे ले सकता है, और जब उसकी नीड पूरी हो जाती है, जब उसके पास पैसे आ जाए तो अपनी चीज़ों को वापस ले लेता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी चीज़ों को वापस प्राप्त कर सकता है और इसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता, यानी कि ब्याज नहीं लेता है। तो आंसर भी ये लिखा है हमने, रे वॉज अ हेल्पफुल एंड काइंड पर्सन, ही हेल्प दोज पर्सन हु वर इन नीड, जिनकी आवश्यकताएं होती है उस समय वो पर्सन, वो व्यक्ति उसकी उसके पास जाते हैं और वो उनकी मदद करता है। बाय दिस डीड, इस कार्य से, डीड का मीन्स होता है बेटा कार्य, ही डिड नॉट मेक एनी प्रॉफिट, और कोई प्रॉफिट वो नहीं कमाता है, एज आई हैव टोल्ड यू दैट कि वो कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाता है। When the lender paid him, he returned back their watches and cloak etc. Lender मतलब जो उधार लेने वाले होते हैं, वो paid him जब उसे दे देते हैं, उसे यानी के पैसे वापस दे देते हैं, तो वो अपनी चीजों को, अपनी क्लॉक को, रिस्ट वॉच को वापस प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद बेटा हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6th है,
द वॉच वॉज नथिंग, इसमें एक लाइन दी गई है और इसका बड़ा ही महत्व है, इस लाइन का बहुत महत्व है इस चैप्टर के अंदर। और क्या बताया है इस चैप्टर के अंदर इस लाइन का, कि द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल, कि वॉच जो थी वो स्पेशल नहीं थी, एंड येट हैड ग्रेट पावर्स, फिर भी उनके अंदर ग्रेट पावर थी, शक्ति थी। इन व्हाट सेंस डिड इट हैव ग्रेट पावर, और किस रूप में उनके पास पावर थी उस घड़ी में, यानी कि जो घड़ी थी साधारण होती थी, परंतु उसके अंदर जो पावर थी वो क्या थी। तो बेटा हमने जो रीड किया था वो ये था कि जो घड़ियां हैं वो साधारण होती थी, पुरानी होती थी, परंतु उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करने की शक्ति थी। वो क्या थी कि जब भी किसी व्यक्ति को आवश्यकताएं होती, पैसे की जरूरत होती, तो वो व्यक्ति रे के पास आता, उन घड़ियों को, उन रिस्ट वॉच को, वॉल क्लॉक को वो उसके पास गिरवी रख देता था और उससे वो पैसे उधार ले लेते थे और उधार लेकर अपने काम को वो कर लेते थे। ये पावर थी उसमें कि मुसीबत के समय, जो समय मुसीबत का आया है, उसे वो पैसों के द्वारा, मतलब उसे उस मुसीबत को वो लोग पैसे लेकर या पैसे से उस मुसीबत को टाल सकते थे, हटा सकते थे। तो इसमें जो हमारा बताया गया है, द नीड ऑफ मैन गॉट मनी फ्रॉम एन ऑर्डिनरी वॉच टू रिलीव, ऑर्डिनरी का मीन्स होता है बेटा साधारण, वॉच टू रिलीव फ्रॉम हिज मिजरेबल कंडीशन, उसकी मिजरेबल दुख वाली कंडीशन से बाहर आने के लिए वो, द नीडी मैन गॉट मनी, जो भी आवश्यकता जिनको होती थी पैसों की, वो साधारण घड़ियों को उसके पास रखकर उस कंडीशन में, उस ऑर्डिनरी वॉच को उसके पास रखकर वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते थे। दिस इंडिकेट दैट द वॉच वॉज ग्रेट पावर, और यही इसमें बताता है कि घड़ियों में ग्रेट पावर थी टू रिलीव अ पर्सन फ्रॉम हिज मिजरेबल सर्कमस्टेंसेस, लोगों को उनकी परिस्थितियों से, विकट परिस्थितियों से निकालने की पावर थी। कैसे पावर थी, कि वो घड़ियों को, उन घड़ियों को, साधारण घड़ियों को उसके पास रखते थे और वहां से पैसे उधार लेते थे। उसके बाद बेटा हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, डू यू थिंक द मैन वुड एवर कम बैक टू पिक अप द वॉच, अपनी वॉच लेने के लिए क्या वह कभी वापस आया या आएगा या आता है, आप क्या सोचते हो इस बारे में। तो बेटा इसका रीजन, इसका जो आंसर है अलग अलग हो सकता है हर किसी का, पर हमने एक पॉजिटिव थिंग में आंसर देना है, ये आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए हमें आंसर देना है। पॉजिटिव थिंकिंग जैसा कि उस रे ने उनके प्रति दिखाई, उन लुटेरों के प्रति दिखाई, उन्होंने इस इरादे से वो आए थे, फिर भी रे ने उनका हृदय परिवर्तन किया, और यही हमें दिखाना है कि उस व्यक्ति ने, रे ने उन लोगों की नीड के समय, यानी कि आवश्यकता के समय उनकी सहायता की थी, तो उन लोगों को भी आना चाहिए वापस अपनी घड़ी को लेने के लिए, क्योंकि वो साधारण घड़ी थी, उसके पैसे जितने, यानी कि उसके, उस घड़ी की जितनी कीमत थी उससे भी ज़्यादा पैसे रे ने उन्हें दिए थे, इसलिए हमने कहा लिखा है वी होप दैट द मैन वुड कम बैक, हमने आशा की है, हमें उम्मीद है कि वो वापस जरूर आएंगे, टू पिक अप द वॉच बिकॉज मिस्टर रे सॉल्व हिज प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ नीड, क्योंकि मिस्टर रे ने उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था एट द टाइम ऑफ नीड, जब उनकी आवश्यकता थी उस समय उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। Now the question number 8, this is the last question of this chapter. When did the unfriendly face of the visitor turn truly friendly? एक ग्राहक, जो ग्राहक कोई है, जो एक aged person है, who was 50 years age, when did the unfriendly face, जो उनका चेहरा, जो उसका चेहरा unfriendly लग रहा था, of the visitor turned truly friend, और एकदम से वो मित्रता पूर्वक चेहरे में कैसे बदल गया। तो वो बदला उसका रे के व्यवहार की वजह से, उसने देखा कि हम उसको लूटने आ रहे हैं जो कि खुद लोगों की अपने आप से मदद करता है और कोई प्रॉफिट नहीं लेता है, उसके उसकी उसको लूटने आए हैं। तो इसका आंसर हमने लिखा है द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर टर्न फ्रेंडली व्हेन ही गॉट
$50 नॉट फॉर हिज ऑर्डिनरी वॉच, कि जब वह व्यक्ति एक साधारण घड़ी का $50 प्राप्त करता है जो कि उस घड़ी की कीमत से कहीं ज़्यादा है, तो वो सोचता है कि ये व्यक्ति जिसको हम लूटने आए हैं वो तो स्वयं ही एक ऐसा है कि वो लोगों की अपने आप ही मदद करता है, और उसने बिना कुछ जाने बिना कुछ रिएक्शन दिए उनकी भी मदद की बिना कोई प्रॉफिट के, तो उस घड़ी से ज़्यादा उसके पैसे दिए। ही फेल्ट ओब्लाइज एंड हैप्पी, और इससे वो उसके कृतज्ञ बने यानी कि आभारी रहे और वो खुश रहे। इस कारण से जो ये फेस है अनफ्रेंडली एकदम से ट्रूली फ्रेंड में चेंज हो जाता है। ये बेटा इसके क्वेश्चन आंसर थे इस चैप्टर के जो कि हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। 8 क्वेश्चन है बेटा इसके, 8 क्वेश्चन को आपको अच्छे से लिखना है फेयर नोटबुक पे, और लिखने के बाद बेटा आप कल मैंने 1-4 क्वेश्चन रन करने के लिए दिए थे और आज आपको वही क्वेश्चन तो करने ही हैं, और इसके बाद आपको 5-8 क्वेश्चन आपको जो अच्छे